जैसे अभी गोवा निकलना है, फिर उदयपुर निकलना है इसी महीने, तो हफ्ते में एक ही वीडियो आएगा और उसमें रीति रिवाज किया जाएगा। दिन कौन सा होगा ये मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, बट अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो अगर क्लिक नहीं है, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें इस चैनल से रिलेटेड। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई देखो बात है कुछ ऐसी, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि कल ही मैं रामनगर से वापसी आया हूँ, और वहाँ से वापसी में शान ए पंजाब में हम लोगों ने लंच किया था पूरी टीम ने, और उधर लंच में मुझे ये दो आइटम सुन के इतने ज़्यादा बेहतरीन लगे कि मैं रामनगर से देहरादून अपने साथ खाना लेके आया हूँ। कल लेके आ गया था, मतलब इन्हें 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, फ्रिज में रखे हुए थे। तो सेंटर में है मेरे पास पनीर काली मिर्च, जिसमें वहाँ बढ़िया बड़े बड़े पनीर के पीसेस डाल रखे हैं। इसी के साथ है मेरे पास पनीर पसंदा, जो पूछा गया कि उनके यहाँ बेस्ट आइटम कौन सा है, तो उन्होंने पनीर पसंदा ही बताया। तो इसमें कुछ ऐसे पनीर क्यूब्स हैं जिनके अंदर से फिलिंग कर रखी है। पीछे की साइड है घर में बनाई हुई राजमा, ककड़ी का रायता स्लैश खीरे का रायता। साथ में है मेरे पास कश्मीरी पुलाव, जिसमें ऊपर से बीन्स, मशरूम, पनीर, पीज, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है भाई। ब्रेड्स की बात की जाए तो मेरे पास है सबसे पहले ग्रीन चिली पराठा, बटर रुमाली रोटी और पनीर नान, राइस, और ये तीन ब्रेड्स के आइटम मैंने मंगा रखे हैं वॉक इन वुड से। और अब आ जाते हैं स्टार ऑफ द डे पे, भाई ये है ब्लैक पेपर का गार्लिक नान, और ज़रा इसका साइज देखो। इतना ही नहीं, मेरे पास इनका एक बटर नान भी है, और भाई इसकी शक्ल देखो, इसका साइज देखो भाई, मैसिव। खीरे का रायता खाए हुए भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसी से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। भले ही ब्लैक पेपर के नान को टेबल पे जगह नहीं मिल रखी है, बट वीडियो को स्टार्ट तो भाई इसी से किया जाएगा। करें ट्राई पनीर काली मिर्च, शक्ल देखो भाई जरा इसकी, ऊपर से एक प्याज का टुकड़ा भी रख देते हैं भाई, लेट्स सी हाउ इट इज। नान की जरा लेयर्स देखो यार इनके, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये नान के टेस्ट की वजह से हो रहा है या इनका इंडिविजुअल टेस्ट ही इतना बेहतरीन है। पनीर नान के साथ खा के देखते हैं। आहा हा भाई शक्ल तो बेहतरीन है। आहा नाइस, ये है पनीर नान, पनीर भरा पड़ा इसमें, बट बटर नान के साथ जो मज़ा आ रहा है ना, ये तो बस ऐसे डिप करने के लिए है कि हल्का सा डिप कर लो। लो इसकी शक्ल देखते रहो। ये है भाई बटर रुमाली रोटी वॉकिंग बुड्स की, थोड़ी सी पापड़ हो चुकी है बट कोई बात नहीं, राजमा ट्राई करते हैं घर की ज़रा। ऐसे खाया करता हूँ राजमा, राजमा ली, ऊपर से थोड़ा सा रायता डाला, थोड़ा सा प्याज, भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, सही में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है यार। देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये पनीर ना इन्होंने ऐसे दो पनीर के क्यूब्स एक साथ चिपका रखे हैं और बीच में फिलिंग कर रखी है, और एग्जैक्टली पता नहीं किस चीज़ की फिलिंग है,
बट बढ़िया लग रही है। एक ज़रा बड़ा सा बाइट ले, पनीर का पीस ऊपर रख दिया है, लेट्स सी हाउ इट इज। बाय द वे ये भानुभैया के फेवरेट रेस्टोरेंट्स में से एक है। मतलब भानुभैया अगर नैनीताल या रामनगर जा रहे हैं ना तो शान पंजाब तो रुकेंगे रुकेंगे। बट वो ऑर्डर करते हैं एकदम ही डिफरेंट चीज़ें। जैसे वो ऑर्डर करते हैं दाल तड़का राइस के साथ, वही मैं ऑर्डर करता हूँ एक कोई भी पनीर का आइटम और एक दाल मखनी। एक्चुअली बचपन में जब कभी हम रेस्टोरेंट जाया करते थे या जब कभी घर में खाना मंगाया करते थे बाहर से, तो यही होता था कि एक पनीर का आइटम मंगा लो और एक दाल मखनी मंगा दो। और मैं होके आ रखा हूँ भाई एकदम ही टैन। शूट था रामनगर में एक्चुअली, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। रामनगर में भाई शूट था हमारा, वही सफ़रनामा का एपिसोड 4 का शूट, और 5th एपिसोड होगा हमारा गोवा में शूट। तो 4th का शूट था भाई, पूरी की पूरी टीम गई थी, साउंड से लेकर लाइटिंग की टीम, कैमरा की टीम, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, मतलब 10-12 लोगों की टीम गई थी। और जब 10-12 लोगों की टीम ऐसे काम से बाहर जाती है तो काम के साथ साथ फन भी होता है भाई। ग्रीन चिली पराठे ने 4 चांद लगा लिया। पनीर तो ऊपर, ओ तनु क्या बेहतरीन लग रहा भाई। आई जस्ट होप आपको उसकी शक्ल दिख रही हो भाई। खीरे का आया था ना, एटलीस्ट मेरे लिए तो एक इमोशन की तरह है। समर्स में इसके बिना पहाड़ियों की मील इनकम्प्लीट होती है भाई, असली मज़ा ही इसका होता है। ये आज तो भाई इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मैसिव बना रखा है, ये देखो ज़रा, ऑलमोस्ट इस चॉपिंग बोर्ड की लेंथ के जितना ही है, ऑलमोस्ट। बट हाँ रेट भी खैर उस हिसाब से ही है, 150 रुपये का नान है। बाबा खुद को स्क्रीन में देखा, टैन हो रखा हूँ, बट कोई नहीं। अभी बात कुछ ऐसी चल रही है कि मैं जिम दोबारा से ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। उसमें सिर्फ एक दिक्कत ही आ रही है कि मुझे शूट के लिए बार बार नोएडा जाना होता है, दिल्ली नोएडा, या फिर जैसे अभी गोवा निकलना है, फिर उदयपुर निकलना है इसी महीने। तो इसी महीने मैंने 3-4 अलग अलग जगह जाना है, तो उसमें फिर वही हो रहा है कि ज्वाइन करूँगा 2 दिन करूँगा फिर 3 दिन गायब। बट ज्वाइन मुझे करना है क्योंकि अब पतला होना है मुझे, एक्सट्रीम में तो नहीं बट 5-7 किलो कम करना है। ये मैंने आपको दिखाया अभी तक, दिखा होगा ना,
ऐसे फीलिंग कर रखी है भाई। इवन आज का मतलब जो आज व्लॉग सैटरडे को व्लॉग जो आ गया होगा सुबह उसमें दिखेगा भी आपको मम्मी डैडी का रिएक्शन इस पनीर पसंद है, मैं उनके लिए भी लेके आया था। मैं ये बता रहा था कि 4-5 दिन से मैं शूट पे हूँ, इतना स्लीप डिप्राइव्ड हूँ ना जिसका हिसाब नहीं है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि अकेले अकेले सोते थे, सोते सब दोस्तों के साथ थे तो बातचीत होती रहती होगी, होती रहती थी। मुझे सुबह टाइम नोट के ब्लॉग भी बनाना होता था तो रात को सोता भी लेट था, उठता जल्दी था, फिर अपना दिन भर शूट करो, फिर रात को थोड़ा सा एडिट करो, फिर लेट सो, फिर जल्दी उठो, तो नींद तो पूरी हुई नहीं। और शूट भी ऐसा था कि उसमें ऐसा नहीं था कि मैं कहीं चले जाऊँ या 1-1.5 घंटा बीच में रेस्ट कर लूँ तो काम हो जाएगा, तो वर्कलोड के साथ साथ स्लीप डिप्राइव्ड था मैं। इतनी बुरी हालत थी मेरी कि कल जब मैं रास्ते में ड्राइव करते हुए आ रहा था, मैंने रास्ते में एक जगह गाड़ी खड़ी करी भाई, क्योंकि मुझे आ रहे थे नींद के झोंके बहुत खतरनाक। गाड़ी एक जगह खड़ी करी, सीट पीछे करके आराम से खुद लेटा, और ऐसे में क्या होता है तब नींद नहीं आ रही बट गाड़ी चलाते हुए नींद आ रही है। घर आते ही सो गया था, सुबह लेट उठा 8 बजे करीब, व्लॉग एडिट करा, थोड़ी देर मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर सो गया। आज मैं दिन भर सोया हूँ यार, दिन भर नीचे सोफा है अपना ड्राइंग रूम में, उसी में सो जाता हूँ मैं। भाई अभी एडिट करते टाइम ना मेरा मुंह भी यूं ही हो रहा है, और रेयरली होता है ऐसा, मतलब ये शायद से दूसरी या तीसरी बार हो रहा होगा कि एडिट करते टाइम मुझे। एनीवे चलो कंटिन्यू। काजू वगैरह भी डाल रखे भाई पुलाव में, पता नहीं एपेटाइट की बात है या साइकोलॉजिकल है। 22 kg लूज करके जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे ना साइकोलॉजिकली मुझे ऐसा था कि मैं कितना भी खा लूँ मेरे को पता है मैं वेट लूज कर लूँगा, तो मैं मकबैंग किया करता था मैसिव मैसिव। अब जब गेन हो चुका है ना तो अब मकबैंग करते टाइम ना मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि यार ये चीज़ से इतना केजी बढ़ जाएगा, या फिर ये कि बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, या फिर ये कि और मोटा हो जाऊँगा। तो यार मुझे नहीं पता कि साइकोलॉजिकल है क्या है बट मेरा पेट भर चुका है। मेरी मकबैंग हिस्ट्री के आज तक के टॉप के फूड आइटम्स यहाँ रखे होंगे। ये 5 ही आइटम ऐसे थे कि भाई बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगा था क्या ही
खा लिया मैंने आज। और ऐसे आइटम्स के सामने अगर मैं अब ऐसा हो रहा हूँ कि भाई अब और नहीं खा सकता, तो मतलब अब तो पतला होना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है बीच में कुछ मकबैंग्स मिस करने पड़े या जो भी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं। बट एनीवे इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और अब पतले होंगे। बहुत जल्द आप लोगों को 1-1.5 साल पहले वाला अक्षांशु देखने को मिलेगा। बाकी आज के लिए आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वन। पीस। तो ऐसा कुछ डिसाइड किया कि भाई हफ्ते में एक ही दिन वीडियो आएगा, दिन कौन सा होगा इसका अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस जो भी हफ्ते में एक वीडियो आएगा उस एक वीडियो में रीति रिवाज भी किया जाएगा। अब जब हफ्ते में एक वीडियो कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे भी कुछ करना बनता है। तो जिस किसी को नहीं पता रीति रिवाज में क्या होता है कि जो भी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग के 5, 6, 10 जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं मैं उनको एड्रेस करता हूँ उनके नाम के साथ। बेसिकली एक शॉर्ट आउट की तरह तो होता ही है, प्लस आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको एड्रेस करता हूँ, जिसकी वजह से एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है आपके और मेरे बीच में। तो हफ्ते में एक ही वीडियो आएगा और उसमें रीति रिवाज किया जाएगा। दिन कौन सा होगा ये मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। बट अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो अगर क्लिक नहीं है, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें इस चैनल से रिलेटेड। चलो गुड नाइट।